नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के होने वाले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। उन्हें ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। अपनी सियासत के अलावा सुनक अपनी संपत्ति को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति यूरोप की सबसे धनी महिलाओं में शामिल है। ऋषि सुनक पहले भारतवंशी है जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। सुनक राजनीति के अलावा अपनी संपत्ति को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। सुनक की शादी इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। इस साल संडे टाइम्स की रिच लिस्ट में सुनक यूके के सबसे धनी 250 लोगों की सूची में 222वें स्थान पर थे। रिपोर्ट में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की संपत्ति 730 मिलियन पाउंड बताई गई थी। सुनक को हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। सुनक और अक्षता मूर्ति के पास 15 मिलियन पाउंड की अचल संपत्ति है। सुनक और मूर्ति के पास 4 घर हैं, 2 लंदन में, 1 यॉर्कशायर में और 1 घर लॉस एंजिल्स में है। केंसिंगटन में 5 बेडरूम वाले घर की कीमत अकेले 7 मिलियन पाउंड बताई जाती है। इस 4 मंजिले घर में एक गार्डन भी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस बात का गर्व होगा कि ब्रिटेन के जो भावी पीएम हैं वो न सिर्फ अंग्रेजों के देश की सत्ता संभालने वाले हैं बल्कि उन्हें भारत का बेटा होने पर भी गर्व है। उन्हें गर्व है कि उनका परिवार सनातनी है। उन्हें गर्व है कि वो हिंदुस्तानी है। मोदी योगी के बाद तीसरा नाम ऋषि सुनक का कैसे जुड़ गया है ये भी हम आपको बताएंगे। ब्रिटेन में हिंदुओं का वोट ना के बराबर है, फिर किसी पीएम बनने वाले नेता की हिम्मत की दाद देनी होगी खुलकर ये कह सके कि उसे हिंदू होने पर गर्व है। सात समुंदर पार जब ऋषि सुनक ऐसा कह सकते हैं तो भारत के कुछ नेता ऐसा क्यों नहीं कह सकते। साल 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई थी। उसी दौरान उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसा करने वाले ब्रिटेन के वो पहले नेता थे। उसी दौरान उन्हें ब्रिटेन का मोदी कहा जाने लगा था। उसी वक्त ब्रिटेन के अखबारों में एक मुद्दा बन गया था कि सनातन धर्म का प्रचार ब्रिटेन में कैसे कोई नेता कर सकता है। मीडिया वालों ने भारत विरोधी सवालों की पूरी लिस्ट बनाई थी और ऋषि सुनक से एक ब्रिटिश अखबार ने उनसे पूछा, आपने गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खाई? तो उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। मैं आज भी भगवान गणेश की पूजा करता हूं। हमारे टेबल पर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा ही मिलेगी। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो हर धर्म का सम्मान करें, गौ मांस ना खाएं। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे धर्म के खिलाफ हो। पंजाब खत्री परिवार में पैदा हुए ऋषि सुनक ने भारत में बहुत कम वक्त बिताया है, लेकिन सुनक का भारत प्रेम उन लोगों की आँखें खोल सकता है जो घर छोड़कर जाते हैं और विदेशी बन जाते हैं। लेकिन इस हिंदू धर्म से प्रेम की एक खास वजह भी है। वजह ऐसा कि जो सुनक आज भी याद करते हैं, और कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े इंसान बन जाना, कभी दादा के साथ हुए अन्याय को न भूलना, ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एस्क्रॉप ने अपनी किताब में लिखा है। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुंजावाला में रहते थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। दादा रामदास ने साल 1935 में गुंजरवाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी आ गए। रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे। ऋषि सुनक का परिवार आज से नहीं बल्कि कई सालों से विदेश में रहता है। नाना हो या फिर माँ या फिर पिता, सबका जीवन विदेशों में ही बीता, लेकिन इस बात का असर ऋषि सुनक पर नहीं पड़ा। उन्होंने सनातनी सभ्यता को संभाले रखा और जब वो सत्ता संभालने वाले हैं तो खुलकर कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और एक हिंदू परिवार में जन्मा हूं। ब्रिटेन या किसी भी देश में भारतीयों के रंग पहनावे, उनके स्वभाव पर कुछ अंग्रेज हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में सनातन सभ्यता की तरफ लोगों का लगाव बढ़ा है। कई अंग्रेज भारत में आते हैं तो ऋषिकेश और वाराणसी की गंगा में बैठकर आरती देखते हैं। मतलब ब्रिटेन हो या कोई भी मुल्क, अगर वहाँ एक भी सच्चा हिंदुस्तानी होगा तो वो अलग जगा ही सकता है। भारत को
कारोबारी और जानी मानी आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जो भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन हम आपको आखिरी में सबसे जरूरी बात बताते हैं, ब्रिटेन एक ताकतवर देश है, वहाँ भारत का जलवाह कम नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति कुछ ही दिन पहले भारत आए थे तो उन्होंने बुलडोजर के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो संदेश दे पाए कि वो योगी मोदी के साथ हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।